आदाब नाजरीन, मैं हूं हसन आसिफ। नाजरीन, हेल्थ टॉक प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। जैसा कि आपको मालूम हो, हमारा एपिसोड खासकर मेडिकल से रिलेटेड है और उन लोगों के लिए है जो हकीकत में सही इलाज की कोशिश में है, हॉस्पिटल्स जाते हैं, सही डॉक्टर का चुनाव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही डॉक्टर का चुनाव नहीं कर पाते। और कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि लोग अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में हकीकत में अगर जाना जाए, पहचाना जाए, तो हम सही इलाज करा सकते हैं, सही बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। तो नाज़रीन, प्यारे व्यूवर्स और वो स्टूडेंट्स जो हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेजेस में अपनी एजुकेशन के बारे में बहुत संजीदा हैं, अपनी एजुकेशन मेडिकल से रिलेटेड पूरी कर रहे हैं, ये प्रोग्राम खासकर उनके लिए भी है। तो हम आपको बता दें, ये एपिसोड जिसमें आज हमने आपके सामने उस शख्सियत को बुलाया है जिनके साथ मैं पहले भी बहुत सारे टॉक शोज़ कर चुका हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और हम बता दें आप डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेसर ऑफ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हैं। साथ ही इसके पहले आप डायरेक्टर रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन सैफई, और आप प्रोफेसर एंड हेड भी रहे हैं KGMU में, और साथ ही साथ आप एक बेहतरीन अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड से। आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, मुसलसल हमारे कुछ एपिसोड्स हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं आपके साथ हमने किए हैं, और ये बताना भी ज़रूरी था खासकर व्यूवर्स को कि आखिर हकीकत में देखा जाए जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो कारगुजारियां हम कह सकते हैं या उनके जो काम हैं, जिस तरीके से उन्होंने मेडिकल की फील्ड में अपना नाम रोशन किया और लोगों की ज़िंदगियों को एक नई ज़िंदगी अता की, तो हकीकत में वो पर्सनालिटीज़ अगर हम उंगलियों पे गिने तो उनमें से आप भी एक हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए वर्ल्ड एलर्जी वीक हर साल पूरे संसार में 2 अप्रैल तक मनाया जाता है, 2 से 8 अप्रैल तक मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है, हमारा आपसे सबसे पहला यही सवाल है। देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने वर्ल्ड एलर्जी वीक का जो नाम लिया, ये वर्ल्ड एलर्जी वीक मतलब एक सप्ताह है, इसलिए ये 2 से 8 के बीच में मनाया जा रहा है और ये पूरे संसार में मनाया जा रहा है। और इसको क्यों, आपने सवाल किया मनाया क्यों जाता है जी। तो ये एक वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने WHO का नाम सुना है जो विश्व के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देता है, तो उसके कुछ डिवीजन जैसे है, ये भी एक है वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन, WHO कहते हैं, WHO। तो ये पूरे संसार में इसके ब्रांचेज हैं और हमारा इंडिया भी, जो इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा अप्लाइड इम्यूनोलॉजी है, वो हम भी उसकी एक ब्रांच हैं। तो इंडिया में भी ये वर्ल्ड एलर्जी वीक मनाया जाता है। मनाने का मकसद ये है कि एलर्जी की बीमारियों से जो हमारी जनता है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे मरीज हैं उन या हमारे डॉक्टर्स हैं, इनको इन बीमारियों के बारे में उनको शिक्षा दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए, जिससे कि एलर्जी के बारे के बीमारियों में उनका ज्ञान बढ़े और वो, जैसा आपने शुरू में कहा कि सही डॉक्टर के पास सही जगह का चयन करना चाहिए, तो ये ज्ञान इसलिए बढ़ाया जाता है कि भाई क्या है एलर्जी के बारे में पूरी तरह से पूरे संसार में। और इसमें हम लोगों ने भी कल यहाँ एरा मेडिकल कॉलेज में भी हमने कल जो है वो वर्ल्ड एलर्जी डे के नाम से एक दिन हमने चूज़ किया, जिसमें हमने डॉक्टरों को जो है वो एलर्जी के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज के बारे में उनका एजुकेशन किया गया। डॉक्टर साहब, किस तरह की डिस्कशन रही आपकी, या हम यूँ कहें कि एलर्जी आखिरकार है क्या चीज़? देखिए, एलर्जी जैसा आप समझते हैं कि एलर्जी जैसे कोई चीज़ जो इन्वायरमेंट में है, वैसे तो नॉर्मली किसी को असर नहीं करती है,
लेकिन कुछ बॉडी किस कुछ लोगों की ऐसी है, कुछ बॉडी में चेंजेज ऐसे हो जाते हैं, यानी इसको हम लोग एटॉपी कहते हैं कि उनकी बॉडी एटॉपिक हो गई है। एटॉपिक मतलब वो टाइप वन मीडिएटेड एलर्जी सीरम IgE के जरिए होती है। तो जिन लोगों के शरीर में ये सीरम IgE ज़्यादा हो जाता है, तो यानी वो लोग एलर्जी होने की संभावना उनमें ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो ये जैसे मैंने हम आपको बहुत साधारण सा एग्जांपल दें, जैसे मान लिया आप गुलाब का फूल सूंघते हैं तो सबको अच्छा लगता है, सबको मतलब महक आती है। तो मान लिया किसी ने गुलाब का फूल सूंघा और उसको छींक आने लगी खूब, तो इसके मतलब हो सकता है कि गुलाब के जो पराग कण हैं या ऐसे, उससे उस इंसान को एलर्जी हो जिससे कि छींकें आ जाएं। जैसे आप दूसरा एक एग्जांपल, तंबाकू अगर हर आदमी सूंघेगा तो हर आदमी को छींकें आएंगी, लेकिन तो वो जो है एलर्जी नहीं हुई, वो तो इरिटेंट इफेक्ट हो गया उसका। लेकिन अगर कोई आदमी गुलाब जिससे कि छींकें नहीं आती हैं, तो ये एक एडवर्स रिएक्शन होता अगेंस्ट सर्टेन एलिमेंट्स, जिसे हम लोग एलर्जन कहते हैं। मतलब एलर्जी जिसे कहते हैं ना कि किस किस एलर्जन का मतलब वही एलर्जी, वो फूल भी हो सकता है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो जो है फंगस भी हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन जो एलर्जन जो पाए गए हैं वो फूलों के पराग कण हैं। जैसे फूल में जब कोई पेड़ आप देखते हैं तो उसमें फूल आता है, और फूल में जब उसमें फूल आता है तो उसके पराग कण जो है एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं। एलर्जी एक तरह का एबनॉर्मल रिएक्शन है। जो लोग एलर्जिक हैं, जो लोग अटॉपिक हैं, जिनमें एलर्जी होने के, तो उन लोग वही चीज़ एलिमेंट, एक जो अटॉपिक नहीं है, जो नॉन एलर्जिक लोग हैं उनमें कोई असर नहीं डालेगा। अच्छा। और वही चीज़ जब एलर्जिक लोग ऐसे आएंगे जिनको होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उनमें वो तरह तरह की बीमारियाँ पैदा कर देता है। अच्छा। जो चीज़ एलर्जी करती है उसको हम लोग एलर्जेंस कहते हैं। और कॉमन एलर्जेंस जो हम लोगों ने देखा है, कोई चीज़ हो सकता है, तो वो जो है यूजली जो है पॉलेंस होते हैं। पॉलेन मतलब पराग कण होते हैं। आप अपने चारों तरफ देखते हैं पेड़ पौधे हैं, तो इन पेड़ पौधों में भी देखते हैं इनके फूल आते हैं, और जब फूल आएंगे तभी उनके पराग कण एटमॉस्फेयर में निकलेंगे। तो जो एटमॉस्फेयर में वो पराग कण हो जाते हैं, वही आदमी सांस लेता है सांस के जरिए, तो उसके सांस में जाता है, और इस तरह के उस चीज़ों से एलर्जी अगर है तो वो तरह तरह की बीमारियां जो है प्रिसिपिटेट हो जाती हैं। तो जो मैं कह रहा था एलर्जन, जैसे पराग कण हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, कोई फूड भी हो सकता है। तो तरह तरह के जो चीज़ों से एलर्जी आपने सुनी होगी कि इतनी तरह चीज़ों से आदमी को एलर्जी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसमें क्या डिजीज़ जो पाई जाती हैं, जो एलर्जी की बीमारियां हैं, कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एलर्जी की बीमारियां जो कॉमन बीमारियां हैं एलर्जी की, उसमें सबसे जो कॉमन बीमारी है वो ब्रांकियल अस्थमा है। आपने सुना होगा लोगों की सांस फूलने लगती है। और अस्थमा के बाद जो दूसरी बीमारी है, इसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, तो जिसको हम साधारण भाषा में हे फीवर पहले कहा जाता था। तो अस्थमा में, तो अस्थमा हो गया, राइनाइटिस हो गई, उसके बाद आपका जो है स्किन की एलर्जी बहुत होती है जी। आप देखते हैं स्किन में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, बड़े दाने आर्टिक एरिया कहते हैं, रेडनेस टाइप की, रेडनेस टाइप हो जाती है। और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि आदमी का मुंह सूज जाता है, बड़े 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 दाग पड़ जाते हैं, उसे हम एंजियोएडिमा कहते हैं। और फिर जो है स्किन में आप एक्जिमा की बीमारी अक्सर बच्चों में देखा गया है, तो स्किन की ड्रग से भी एलर्जी हो सकती है। और कभी कभी आपने देखा कि ये जो जितने बर्रैया टाइप के होते हैं ये काट लेते हैं, तो थोड़ा बहुत तो रिएक्शन सब में होता है, लेकिन जिनसे इनको एलर्जी होती है उनमें बड़ा सीवियर रिएक्शन होता है, जिसे एनाफाइलेक्सिस भी हम लोग कहते हैं। तो कई बीमारियां हैं, और जैसे कि अस्थमा का मैंने नाम लिया, अस्थमा में आप जानते हैं अस्थमा में सांस फूलती है। और अस्थमा को हमेशा मैं कहता हूँ कि हर अस्थमा ऐसा नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ जिसकी सांस फूलती है हर एक को अस्थमा नहीं होता है, और जिनमें अस्थमा होती है उनमें ज़रूरी नहीं एलर्जी भी हो जाए। तो हम लोग पता लगाते हैं राइनाइटिस के अंदर क्या होता है, आदमी को छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, खासकर जब मौसम बदलता है,
तो उस टाइम हो जाता है। स्किन में आपने बताया ये लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ड्रग से कभी आपने कोई दवा खाते हैं आपको खूब चकत्ते पड़ने या सांस फूलना शुरू हो जाता है। फूड, बहुत से फूड आइटम्स से भी एलर्जी हो जाती है। फूड के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी स्टडी हमारे देश में हुई कि फूड एलर्जी जो अगर हम बाहर जाएं, बाहर देश जहाँ काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, और वहाँ फूड एलर्जी का जो परसेप्शन है, परसेप्शन मतलब आदमी को लगता है कि मेरे को फला चीज़ खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो परसेप्शन ग्लोबली भी 20-25% है। लेकिन जब बीमारी का टेस्ट करके पता लगाया गया कि फूड एलर्जी एक्चुअल में कितना है, तो 2-3, 3-4% निकल। वही चीज़ इंडिया में और ख़तरनाक है। इंडिया में क्या है, परसेप्शन 50-60% है, यानी हर दूसरा रोगी जो हमारे पास आता है और अक्सर वो कहता साहब हमको दही खाने से, कोई कहता हमको चावल खाने से, कोई कहता हमें कुछ खाने, तो परसेप्शन बहुत हाई है, 50-60%। लेकिन जब इसी फूड एलर्जी को स्टडी हुई और टेस्ट करके देखा गया, क्योंकि फूड एलर्जी का पता लगाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन तो पता लगाया गया, तो उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, 3-4% है। तो बहुत से हमारे बहुत से मरीज आते हैं और कहते हैं साहब हम फला चीज़ से, तो वो परसेप्शन बहुत हाई है, क्योंकि हमारे यहाँ भी खाने भी तरह तरह के खाए जाते हैं, खाने में तरह तरह का छोंक लगाया जाता है, तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती, इसलिए लोगों का यहाँ परसेप्शन बहुत हाई है फूड एलर्जी के बारे में। डॉक्टर साहब, तो एलर्जी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनका निदान कैसे किया जा सकता है? देखिए, आपका सवाल ये बड़ा अच्छा आया कि एलर्जी, अब एक चीज़ तो है नहीं, एलर्जी में बहुत तरह के रोग हैं, लेकिन एलर्जी जैसे हमने कहा कि बीमारियां जो हैं एलर्जी, जैसे हमने कहा अस्थमा का नाम लिया, राइनाइटिस का नाम लिया, स्किन एलर्जी का नाम लिया, तो एक्जिमा का नाम लिया, ये तो आप समझते हैं, जैसे मरीज हमारे सामने आता है, हमें 30 सेकंड में 1 मिनट में पता लग जाता है कि इस मरीज को अस्थमा है, राइनाइटिस है या स्किन का कोई बीमारी है। लेकिन जो हम लोग जो डायग्नोसिस करने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है हिस्ट्री, जब हम मरीज से कोई हम पे आता है तो हम उससे बात करके उसको देख करके पता लगाते हैं भाई क्या बीमारी हो सकती है। तो एलर्जी की डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री का बड़ा इम्पोर्टेंस है। अच्छा। जैसे मैंने कहा बीमारी तो 1 मिनट में तुरंत पता लग जाती है, जैसे मरीज हमारे ओपीडी में आता है हमें पता लग जाता है ये सांस का रोगी है, ये स्किन की एलर्जी की रोगी है, ये इसको राइनाइटिस छींकें आती हैं। लेकिन जो हिस्ट्री में जो हम समय देते हैं वो एक्चुअली पता लगाते हैं कि क्या इसमें कारण है, वही एलर्जन की बात मैंने करी ना, क्या चीज़ है जिसमें इसको एलर्जी होती है। तो हिस्ट्री हम लोग हमेशा कहते हैं कि एलर्जी के पेशेंट की हिस्ट्री में 30-40 मिनट लगता है, और डायग्नोस करने में नहीं, अस्थमा डायग्नोस करने में नहीं, लेकिन क्या अस्थमा ये पहली बात एलर्जिक है नहीं है, दूसरी बात एलर्जिक है तो कौन किन चीज़ों से इसको एलर्जी है, वो सबसे ज़्यादा हम पता हिस्ट्री से ही लगाते हैं। अच्छा। और हम लोग अक्सर जब पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो ये कहते हैं यू शुड एक्ट लाइक ए CBI डिटेक्टिव। अब डिटेक्ट करते हैं ना करने को, तो आप बहुत सी सवाल करते हैं, हमारी केस शीट बहुत लंबी होती है, उससे हम पता लगा, हमें काफ़ी अंदाज लग जाता है कि इसको बीमारी एलर्जी वाली है कि नहीं है, और एलर्जी वाली बीमारी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इसके लिए जिसकी वजह से इसको एलर्जी हो रही है। तो पहला तो हिस्ट्री है। दूसरा डायग्नोस करने का तरीका आपने सुना होगा स्किन टेस्ट है, कि हम स्किन में यही एंटीजन, यही जो एलर्जन है, इनका प्रिपरेशन बनाया आता है, इनको हम स्किन में लगाते हैं, प्रिक टेस्ट जिसे कहते हैं, और बहुत खाल के बिल्कुल सुपरफिशियल पार्ट में पेनलेस होता है, और डिपेंड करता है कितने चीज़ों से एलर्जी है, वो 20 से लेकर के और 25-40-50 तक हो सकता है, तो हम सुई लगाते हैं और प्रिक स्किन के सबसे सुपरफिशियल पार्ट पे, तो इसे हम प्रिक टेस्ट कहते हैं। अच्छा। तो उसको जो है और 15-20 मिनट बाद हम उसकी वो कितना लाल हुआ, कितना साइज़ बढ़ा, उसके हिसाब से हम उसकी रीडिंग ले ले, तो स्किन टेस्ट हो गया।
जिसको अक्सर आम भाषा में लोग एलर्जी टेस्ट भी कहते हैं। अक्सर मरीज कहते हैं साहब हमारा एलर्जी टेस्ट करवा दो, तो वही स्किन प्रिक टेस्ट है। अच्छा। तीसरा तरीका है जो एलर्जी पता लगाने का, वो ब्लड से है। अच्छा। हम 5 ml ब्लड लेकर के और स्पेसिफिक जो IgE होते हैं अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन सर्टेन एलर्जेंस, वो जांच करके हमें उनमें उन मरीजों में बढ़ा मिलता है। अच्छा। मैं अक्सर आजकल बड़ी भ्रांति चल रही है कि लोग समझते हैं, या कभी कभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं या कभी कभी जो हमारे जो जांच वाले लोग हैं वो लोग भी एम्फेसाइज करते हैं कि ब्लड का टेस्ट करा लो और सब चीज़ पता लग जाएगा। हम लोग कहते हैं कि ब्लड टेस्ट जो है सिर्फ उन्हीं में किया, सबसे बढ़िया तरीका तो स्किन टेस्ट का है, प्रिक टेस्ट का, जो कि पेनलेस होता है। ब्लड टेस्ट उनमें ही एडवाइस करते हैं जिनमें स्किन टेस्ट हम नहीं कर सकते। जैसे मान लें किसी को स्किन में बीमारी है और स्किन प्रिक टेस्ट करने के पहले बहुत से दवाएं रोकनी पड़ती, मान लें हम दवाएं नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम ब्लड से भी जांच कर सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 3 तरीके हो गए डायग्नोसिस के। एक तो हम मरीज से बात करके सब चीज़ें पता लगाते हैं, दूसरा हम स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं, और तीसरा हम कुछ मरीजों में ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करके स्पेसिफिक वो जो एलर्जी जो कर रहे हैं उनके बारे में। लेकिन एक बड़ी भ्रांति हमारे समाज में कि लोग समझते हैं ब्लड दे दो टेस्ट करा लो और सब हमारा पता लग जाएगा। तो मैंने बताया ये 3 तरीके हैं, हिस्ट्री लेना, स्किन प्रिक टेस्ट करना और कभी कभी ब्लड टेस्ट करना। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि अपने में तीनों में से कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मान लिया कुछ लोग समझते हैं हम ब्लड टेस्ट करा लें हमें सब पता लग जाएगा, तो अक्सर हम लोग कहते रहते हैं कि स्किन प्रिक टेस्ट भी फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, ब्लड टेस्ट भी फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, हिस्ट्री भी फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। तो हम तीनों का जब हमारे सामने होते हैं तो हमेशा उसको हम कोरिलेट करते हैं, मिलाते हैं, और मिलाने के बाद तब पता लगाते हैं कि इस पेशेंट में किस चीज़ से इसको एलर्जी हो सकती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने सारे तो उपाय बता ही दिए, और जिस तरीके से देखा जाए एरा मेडिकल कॉलेज में है आप, तो क्या एरा मेडिकल कॉलेज में एलर्जी से रिलेटेड सुविधाएं हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, क्या इलाज है? हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। हम लोगों ने, आपने पिछली बार देखा होगा, 2015 में यहाँ पर, पहले यहाँ एलर्जी टेस्ट ऐसा कोई सुविधा नहीं थी। जब मैं यहाँ आया तो एलर्जी, हमने सबसे पहला जो एलर्जी क्लिनिक ही स्टार्ट कराई। अच्छा। और लगभग 1.5 साल से यहाँ पर एलर्जी क्लिनिक बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जिसमें एलर्जी के मरीजों की जांच करके हम पता लगा लेते हैं, और वही 3 चीज़ बताई, हिस्ट्री लेते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। तो एलर्जी क्लिनिक हमारे पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में चलता है और एलर्जी के मरीजों का निदान और इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में मिला है ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में के या हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, आखिर ये है क्या चीज़? देखिए, वैक्सीन से पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ इलाज के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इलाज में 3 तरीका होता है, 3-4 तरीके हम लोग बताते हैं ये एलर्जी के मरीजों का इलाज कैसे होता है। तो सबसे पहले एलर्जी का इलाज, ये तो आपके भी समझ में आ गया होगा कि अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। मान लिया हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, उसको अगर हम हटा दें अपने पास से या हम वहाँ से हट जाएं, तो शायद यही, हाँ, तो अपने आप इलाज हो जाएगा। जैसे मुझे एक किस्सा याद है कि हमारी एक पेशेंट थी, बहुत 10 साल पहले की बात है, वो लड़की थी, उसने 9 महीने से बिल्ली पाल रखा था, और जब से वो बिल्ली पाल रखे थे तब से उसकी सीखें और सांस फूलती थी। तो हमने कैट डेंडर आता है बिल्ली का, बिल्ली के जो बाल होते हैं ना उनमें से कुछ मतलब निकलता है धूल टाइप का, उसी से उसको एलर्जी निकली। तो एलर्जी निकली तो हमने उसकी माता, जब वो लड़की छोटी थी, माँ से और दोनों से, माँ से पहले बात किया तो माँ ने कहा साहब ये तो साहब ये बहुत प्यार करती है बिल्ली को, बिल्ली तो छोड़ नहीं सकती। हमने कहा अगर बिल्ली नहीं छोड़ सकती है फिर तो इसका इलाज भाई जीवन पर्यंत चलना होगा। और वो बाद में हमने उनको कन्विंस किया और उन्होंने बिल्ली छोड़ दी। अब तो लड़की बहुत बड़ी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए हैं, और उसको कोई, तो पहला इलाज एलर्जी का जो सबसे समझ में आता है कि अगर हम किसी चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है तो उस चीज़ को हम छोड़ दें, लेकिन हर चीज़ का छोड़ पाना संभव नहीं है। मान लिया मैं कहूँ किसी इंसान को
नीम का पेड़ है उसके फूल हैं या तरह तरह के पेड़ पौधे उसके फूलों से, तो वो कैसे कटवा देगा? वो तो एटमॉस्फेयर में रहेगा। तो उसके लिए फिर दूसरा जो इलाज का तरीका है वो दवाएं हैं। जैसे आपने सुना है अस्थमा के अंदर हम लोग इनहेलर यूज़ करते हैं, राइनाइटिस के अंदर एंटी एस्थमेटिक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो ड्रग्स भी इस वक्त बहुत अच्छी आ गई हैं जिससे इन मरीजों को काफ़ी आराम रहता है। लेकिन जिन मरीजों को ड्रग से नहीं आराम मिलता, अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं, तो उन मरीजों को हम लोग ज़रूर बताते हैं कि भाई एक आपने वैक्सीन जैसे बात करी, तो उसे अब पहले इसको वैक्सीन या हाइपोसेंसिटाइजेशन या अब इसका नया नाम इम्यूनोथेरेपी आ गया है। तो इम्यूनोथेरेपी का मतलब ये होता है, एक आपने कहानी सुनी होगी कि विष जहर को जहर ही मारता है जी। तो वही प्रिंसिपल इम्यूनोथेरेपी का है कि जिस चीज़ों से उसको एलर्जी होती है पहले तो हम पता लगाते हैं हिस्ट्री से या स्किन टेस्ट से या ब्लड टेस्ट से कभी कभी, और उसके बाद वही एंटीजेंस को हम छोटे कम मात्रा से लेके और बढ़ाते हुए डोज में चले जाते हैं, जिसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो उसका प्रिंसिपल यही है कि हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए साल दो साल वैक्सीन लगाने के बाद कि जिस चीज़ों से एलर्जी है उसको वो चीज़ें उसके फ्रेंडली हो जाएं और उसके सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं। तो कुछ मरीजों में हम लोग जिनमें दवाएं बहुत कामयाब नहीं होती हैं या मरीज़ दवा लेना नहीं चाहता है, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी भी देखे कोई दो चार दिन का महीने का इलाज नहीं है, इम्यूनोथेरेपी भी दो से तीन साल तक लगवाया किया जाता है, हफ्ते में एक बार सुई लगती है, तो वो भी लंबा प्रोसेस है। तो उसको भी हम लोग सोच समझ, लेकिन एक ट्रीटमेंट का एक तरीका वो भी है। तो मैंने पहला तरीका बताया आपको अवॉइडेंस, दूसरा तरीका बताया आपको ड्रग थेरेपी, तीसरा बताया इम्यूनोथेरेपी, और जो चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम देख रहे हैं बहुत कम है, और इसीलिए वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने ये इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड एलर्जी वीक या वर्ल्ड एलर्जी डे के रूप में पूरे संसार में मनाया जाना शुरू किया गया। तो उसमें है, वो है पेशेंट एजुकेशन, कि हम लोग पब्लिक को, पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, क्योंकि एलर्जी का करिकुलम ऐसा है बहुत MBBS के अंदर पढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, MCI ने बहुत ज़्यादा इस पर जो है जोर नहीं दिया है। तो इस तरह हम लोग डॉक्टरों का और पब्लिक का एजुकेशन के बारे में, तो चौथा एलिमेंट जो ट्रीटमेंट का वो एजुकेशन का है। तो आप देखते हैं चार तरह से इलाज हुआ, अवॉइड कर लीजिए एक बात, और या उनको ड्रग दे दीजिए या कुछ लोगों को इम्यूनोथेरेपी, एजुकेशन तो सबका करना है। एक बात मैं मतलब ऐसा था कि जो अवॉइडेंस की बात जब हम करते हैं तो हम दूसरी बात ये भी करते हैं कि अगर मान लिया वो अवॉइड कम्प्लीटली आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको उसका रिडक्शन, जैसे मैं बहुत लोगों को हाउस डस्ट होती है ना जब झाड़ू लगाते हैं तो उनको छींकें आती हैं, नाक बहती है, तो इसमें कहने का मकसद मेरा ये है तो उसका रिडक्शन किया जा सकता है। जैसे जिनको डस्ट से एलर्जी होती है तो हम लोग कहते हैं भाई झाड़ू जब लग रहा हो तो बाहर चले जाओ, झाड़ू मत लगाओ, या झाड़ू लगाना है तो पोछा लगाओ। पोछे में क्या होता है, पोछे में चूँकि पानी होता है उसमें तो डस्ट उड़ती नहीं है। तो ऐसे हर चीज़ों का एक अवॉइडेंस है कि डस्ट अवॉइडेंस मेजर्स को हम लोग बता सकते हैं। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है क्योंकि वक्त की कमी है, हम एलर्जी की जो बीमारी है उसको कैसे सस्पेक्ट करें, कैसे रोकथाम करें? पहले तो आपको ये सस्पेक्ट करना है कि भाई एलर्जी की बीमारी है, अस्थमा है कि नहीं है, राइनाइटिस। तो सवाल नहीं कि हर अस्थमा हर राइनाइटिस एलर्जिक नहीं होती है, बहुत से और कारण हैं। तो एलर्जी सस्पेक्ट करने का, एलर्जी की जितनी भी बीमारियां हैं वो बचपन से चालू होती हैं। अच्छा, इनको जो शुरुआत होती है, ऐसा नहीं कि 50-60 साल की उम्र में होकर जाएगा, बचपन से शुरुआत होती है, क्योंकि मैंने कहा ना जेनेटिक डिजीज़ है, प्रीडिस्पोजिशन होता है उनको, तो बचपन से जो भी शुरुआत होनी होती है वो बचपन से शुरू होती है। दूसरा जो है इसमें मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी जैसे अस्थमा वाले को छींके भी आएंगी, राइनाइटिस, अस्थमा वाले को स्किन में भी बीमारी हो सकती है, तो मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस होते हैं। तीसरा जो है इनमें चूँकि मैंने कहा पराकरण बहुत से, तो ये सीजनल वेरिएशन, बहुत लोग कहते हैं साहब हम साल भर ठीक रहते हैं, और सीजन खासकर एलर्जी की बीमारी जब मौसम बदलता है
जैसे आपने देखा होली और दिवाली के पास जी। होली का मतलब, होली में क्या होता है, जाड़े से गर्मी आती है, और दिवाली में क्या है, गर्मी से जाड़े की तरफ। तो ये जो बदलते हुए मौसम है, आपने भी दिन दिनों में देखा होगा खूब फूल चारों तरफ परागकण रहते हैं, तो सीजनल वेरिएशन। वैसे पेरिनियल बीमारियाँ भी बहुत सी होती हैं, किसी को हाउस डस्ट से, माइट से एलर्जी है तो साल भर रहती है, लेकिन सीजनल वेरिएशन। एक और आपने सुना होगा जियोग्राफिकल वेरिएशन, क्योंकि ये परागकण 500-600 किलोमीटर तक उड़ के जा सकते हैं। तो जैसे जो फूल पौधे लखनऊ के अंदर हैं, आप जब श्रीनगर में जाएंगे तो डिफरेंट आपको मिलेगा, साउथ में जाइएगा डिफरेंट मिलेगा। तो ये जियोग्राफिकल वेरिएशन, मतलब एक मरीज लखनऊ में सही रह सकता है और कहता साहब जब मैं बेंगलोर जाता हूँ तो मेरे को छींकें आती हैं और सांस फूलना शुरू है, तो इसे कहते हैं 500-600 किलोमीटर के दूरी से के बाद एक सिम्टम जो है बदल जाते हैं। और तीसरा पांचवा चीज़ जो हम लोग कहते हैं फैमिली हिस्ट्री, चूँकि ये जेनेटिक डिजीज़ है, तो अगर फैमिली में मान लिया एक पेरेंट को एलर्जी है तो एलर्जी होने के चांस 25%, दोनों पेरेंट्स को मान लिया पहले से एलर्जी है तो बच्चे में 50% चांस है। इसके मतलब ये नहीं कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं उनमें भी हो सकता है, लेकिन जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उनमें एलर्जी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यही सब तरीके हैं जिससे हम हिस्ट्री में, बहुत डिटेल मैंने बताया कि हिस्ट्री हम लेते हैं और पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये बीमारी एलर्जी की वजह से है कि नहीं। अब आपने एक सवाल इसमें और किया था कि प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, तो प्रिवेंशन में यही है भाई, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं भाई ये जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं कि अगर मान लिया माँ को एलर्जी है, मान लिया किसी लड़की को एलर्जी है, या लड़की या लड़के लड़की के माँ बाप को एलर्जी है, तो अक्सर लोग जब शादियों में आजकल पहले तो लोग पतरा और क्या क्या दिखाते थे, आजकल जेनेटिक काउंसलिंग भी होने लगी है। अगर जो बीमारियाँ फैमिली में पहले से हैं, अगर ऐसे फैमिली आपस में थोड़ा सा शादी से मना हो या शादी अवॉइड करें, तो हो सकता है कि इन सब बीमारियों से रोकथाम किया जा सके। और वैसे भी रोकथाम करने के एक हाइजीन थियरी है, बचपन में जो आदमी, जैसे बाहर देशों में एलर्जी बहुत होती है, हमारे इंडिया में उसके कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है, लेकिन ऐसा उसमें ये एक थियरी लाई गई कि जो लोग बचपन में धूल मिट्टी इधर उधर जिनका हाइजीन बहुत सही नहीं रहता है, जो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, उनमें एलर्जी होने के चांस कम होता है, और जो लोग बचपन में नीट क्लीन बहुत एंटीबायोटिक हर चीज़ की, उनमें एलर्जी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रोकथाम शुरुआत से ही, और जैसे किसी को अगर छींकें आनी शुरू हो गई तो उसको अस्थमा ना हो तो वो डॉक्टर से मिल करके इसका भी रोकथाम किया जा सकता है। बेशक डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी मुहिम है, जिस तरीके से देखा जाए पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड एलर्जी वीक मनाया जाता है 2 से 8 अप्रैल तक। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हम चाहेंगे आप उन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को खास कर दें जो मेडिकल की दुनिया से रिलेटेड हैं, चाहे वो एरा मेडिकल कॉलेज हो या दुनिया भर के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको कैसी एजुकेशन हासिल करना है और किस तरीके से बीमारियों को जड़ से नेस्तनाबूद करना है। इसकी देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स का तो मैसेज, पहले तो एलर्जी के संबंध में मैसेज ये भी, एलर्जी की बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं, लगभग 20-30% हमारी भारत की जनता जो है वो एलर्जिक बीमारियों से सफ़र कर रही है, तो एलर्जी के बारे में भी अपना सा ज्ञान रखें वो लोग, कैसे क्या क्या बीमारियां हैं, कैसे डायग्नोज होती हैं। और मेडिकल स्टूडेंट को हमेशा हम लोग चूँकि इस पेशे से 40 सालों से जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी लड़के को समझ में नहीं आता कि आज की पढ़ाई का क्या आगे काम आएगा, लेकिन अगर शुरू से ही हर क्षेत्र में पढ़ाई ठीक से की जाए, हर एरिया में क्लासेस अटेंड किए जाएं, रेगुलर बंक ना करें क्लासेस को, तो आप अच्छा डॉक्टर बन सकता है और वो समाज की सेवा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो एक बार फिर पधारे आए और आपने एक बेहतरीन सीख के साथ, एक बेहतरीन नसीहत के साथ लोगों को घर बैठे इलाज करवाया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने ये बताई बातें, हकीकत में हमारे व्यूवर्स के कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, लोग समझते भी हैं प्रोग्राम को, हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से इलाज डॉक्टर्स अपने मेडिकल हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, घर में भी लोग इस तरीके के इलाज कर सकते हैं अगर वो ध्यान से इन प्रोग्राम्स को खास कर देखें। डॉक्टर साहब, हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, हमारा हेल्थ टॉक से रिलेटेड, और ये टॉपिक था हमारा वर्ल्ड एलर्जी वीक के सिलसिले से, कि एलर्जी क्यों, कब और कैसे होती है, और एलर्जी के रोकथाम के क्या क्या
उपाय हो सकते हैं, इन सभी बातों को बखूबी डॉक्टर साहब ने बताया। अब इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने एक और नए मौजू के साथ। हमारी पंचलाइन हमेशा याद रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट इज़ दी ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। गुड बाय।